अस्सलाम वालेकुम प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 8वी विषय मराठी यातून पाठ क्रमांक 9 भूमिगत या पाठाचे शब्दार्थ यानी क्या अल्फाज मायने उर्दू में जिसे कहते हैं अल्फाज मायने ये हम समझने जा रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप अपनी बैज निकालेंगे और उसमें इसे लिखना शुरू करें। पहले हम उसे समझ लेते हैं, बाद में आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर पहला अल्फाज है, पहला शब्द है वनवा। वनवा यानी क्या, यानी जिसे मराठी में कहेंगे मोटी आग। मोटी आग जिसे उर्दू में कहेंगे बड़ी आग। यानी आग यानी क्या, आग यानी चारों तरफ आग फैल जाना। यानी यहाँ पर उस सबक में कोई आग लगी थी क्या? नहीं, लेकिन जो बात थी कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम शुरू हो चुकी है, 8 अगस्त 9 अगस्त से जो क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ 1942 से चलवट शुरू कर दी है, तो इसके लिए वो वहां पर वनवा पूरी आग जैसी बात फैल गई थी। नंबर दो, दूसरा शब्द है भाग लेला। उसको मराठी में कहते हैं दम लेला और उर्दू में कहते हैं जिसे थका हुआ। तीसरा शब्द है मेरे बच्चों भरकन। भरकन जिसे मराठी में कहेंगे पटकन और उर्दू में जल्दी से। चौथा शब्द है तुरुंग। तुरुंग यानी जिसे मराठी में कहेंगे कैद खाना और उर्दू में जिसे कहते हैं जेल, है ना। और नंबर पांच निश्चित। निश्चित यानी मराठी में चिंता नसने और उर्दू में इन्हें बेफिक्र हो जाना। और नंबर छह समारंभ, यानी मराठी में जिसे कहेंगे हम कार्यक्रम और उर्दू में प्रोग्राम, है ना। तो इतने ही यहाँ पर शब्दार्थ इस सबक के दिए हुए थे, वो भी हमने प्यारे बच्चों समझे पढ़े। उसके मीनिंग मैंने आपको तीनों जबानों में बताया हूँ, जिसे दिए हुए अल्फाज क्या है सबक में और उसको मराठी में क्या कहेंगे और उर्दू में क्या कहेंगे, है ना। तो चलिए आप अपनी बैच में इसे लिख लीजिए।